नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली। उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल चर्चा में है। तो आप लोग जानते हैं कि हर साल लाखों लोग आत्महत्या करते हैं अवसाद के कारण। अब किसी को संपत्ति खोने का अवसाद है, यानी कि टेंशन है, किसी को और किसी की, इस तरह से हर किसी को रिश्ते रिश्तों की। तो इसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि आपकी दिमागी हालत। तो देखेंगे आखिर ये मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, आपके दिमागी हालत होती क्या है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या है, मानसिक विकार के कारण क्या रहते हैं, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां क्या है, बजटीय व्यय का अभाव क्या है, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे और अन्य प्रयास क्या हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक बात आप लोगों को हमेशा बता दूं कि एक बात हमेशा याद रखिए, क्या कि आपको आपके लिए कोई सहयोगी है या नहीं इसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप किसी की जिंदगी में सहयोगी बन सकते हैं या नहीं इस पर जोर दीजिए। क्योंकि आप देखते हैं कि आपको अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। अगर आप किसी को अच्छा साथ दे रहे हैं किसी का, तो आपको भी अच्छा ही साथ मिलेगा, इसमें कोई दोहराव नहीं है, ठीक। और आप ही सोचिए कि अगर सुशांत सिंह राजपूत कोई फेलियर नहीं था, ठीक है, बढ़िया सफल व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में भी कोई परिवार का कोई भी मेंबर 2 मिनट के लिए अगर उसे संभावना देता, उसे समझाता बुझाता, तो इस तरह का कदम शायद कोई ना उठाता। उसी की छोड़िए, उसकी नहीं, किसी और की भी ले लीजिए, अगर उसके दिमाग में 2 मिनट के लिए आ रहा है कि सुसाइड कर लेना चाहिए, इस जिंदगी से बेहतर तो है, तो आप सोचिए कि उसकी जगह अगर कोई घर वाला हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उसे साथ मतलब थोड़ा संभावना दे दे, यानी कि शांत करने का विचार अच्छे से समझा दे, तो शायद टाला जा सकता है उस मौत को, नहीं टाला जा सकता है। और रिश्तों की रही बात, तो मैं नहीं मानता हूं कि खून के रिश्ते हों या फिर कोई और रिश्ते, रिश्ते भरोसन से चलते हैं, भरोसे से। अगर मैं अपनी बताऊं प्रश्न, तो मेरे ऊपर अगर कोई भरोसा करता है, फिर चाहे मेरा अपना हो या कोई और, मैं उसके भरोसे पर खरा उतरूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर कोई मेरे पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है, तो मैं अपनी जान भी अगर देनी पड़े तो दे सकता हूं, लेकिन उसका भरोसा किसी का नहीं तोड़ सकता। मतलब जितनी कोशिश है मेरी तरफ से हर किसी का भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी है। आप सोचिए अगर रिश्तों में भरोसा ना रहे, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि हमारा कुछ अस्तित्व रहेगा, हम एक मुर्दा बनकर जीते रहेंगे। तो कभी भी तरक्की के चक्कर में या सक्सेस होने के चक्कर में ये मत भूल जाया करिएगा कि हमारे लिए तरक्की ये सब कुछ है। शायद मुझे लगता है कि इस समय पैसा हर कोई कमा रहा है, लेकिन परिवार के साथ मुश्किल से ही कोई वक्त गुजार रहा है, कोई अपने वक्त अपने परिवार के साथ रह रहा है। देखिए, भूख से कोई नहीं मरता है, इतना हर कोई कर लेता है कि अपना पेट भर सकता है, लेकिन अपने परिवार को साथ लेकर हर कोई नहीं चल सकता है। चलिए हम लोग इस आर्टिकल पर बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 7.5%, यानी कि 7.5% भारतीय किसी ना किसी रूप में अवसाद से ग्रस्त हैं। समझ में आया आपको कि टोटल आपकी जनसंख्या है 130-135 के करोड़ के करीब, उनमें से आपके 7.5% लोग अवसाद से यानी किसी ना किसी रूप से टेंशन में हैं। और ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वही है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो इतना ही नहीं, WHO के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित होगी, यानी कि कुल आबादी का 20% लोग मानसिक रोगों से पीड़ित होता है,
मानसिक रोग यहां तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड करने पर, आत्महत्या करने पर भी विवश कर देते हैं आपको, समझ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अवसाद से ग्रस्त होने के कारण आत्महत्या कर लेने की घटना ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के विस्तृत अध्ययन और उसके समाधान को पुनः विमर्श के केंद्र में ला दिया है। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई। आज भी यह मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णता उपेक्षा की जाती है, इसे काल्पनिक माना जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि जिस प्रकार शारीरिक रोग हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, उसी प्रकार मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। मैं यहाँ एक ही बात कहूँगा कि आपका अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अवसाद में यानी कि टेंशन में जा रहा है, तो उससे नाता मत तोड़िए, उसका साथ दीजिए, क्योंकि वो कोई भी कदम उठा सकता है। तो जब अपनों का साथ ना मिले तो व्यक्ति शायद और टूट जाता है और बुरी तरह से खो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपका बच्चा या कोई भी परिवार का मेंबर या कोई भी व्यक्ति है लगता है कि वो अवसाद में घिरता जा रहा है, तो उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य आखिर क्या होता है, क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य? मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने और महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया है। एक बात आप लोग देखिए कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं शारीरिक, इनसे खतरनाक है मानसिक स्वास्थ्य आपका। शारीरिक स्वास्थ्य में तो आप सोच रहे होंगे आपको कोई बीमारी है, ठीक है, जीते रहेंगे, लेकिन जब मानसिक स्थिति बिगड़ जाए, दिमागी हालत, तो व्यक्ति इतना खतरनाक कदम उठा सकता है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। मानसिक विकास में विकार में अवसाद, डिप्रेशन दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। कई शोधों में यह सिद्ध किया जा चुका है कि अवसाद हृदय संबंधी रोग का मुख्य कारण है। मानसिक विकास कई सामाजिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी और नशाखोरी आदि का जन्म देती है। और जब एक कोई अगर सबसे व्यक्ति सुसाइड कर ले, तो आपने सोचा होगा कई और व्यक्ति सुसाइड करने लगते हैं। अभी मैं कल ही परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमेरिका में एक आत्मकथा लिखी गई किसी सुसाइड किए व्यक्ति द्वारा। उसने आत्महत्या लिखी, उस आत्महत्या की उसके पहले एक आत्मकथा लिखी, उसके बाद न्यूज पेपरों में छपने लगा, इस आत्महत्या का चर्चा होने लगी। तो अमेरिका में उसके बाद कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, उस आत्महत्या को बैन कर दिया गया यानी कि रोक दिया गया, उस आत्मकथा को रोक दिया गया। तो ये तो आप भी देखते हैं कि जब कोई मूवी चल रही हो तो उसका असर पड़ने लगता है लोगों पर कि हमें इस तरह बनना है, इस तरह बनना है। तो सुसाइड, सुशांत सिंह के बाद एक लड़के ने सुसाइड किया अभी कुछ ही दिन पहले। उसने लिखा है अपने मतलब सुसाइड नोट में कि जब सुशांत अगर सुसाइड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और वो आत्महत्या कर ली है उसने, समझ रहे हैं। तो इसका असर पड़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले 2016-15 की बात है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यहाँ भिंड मोरेना ट्राइड का, तो एक डकैत था, कोई लड़का ही था नई उम्र का, उससे पूछा गया कि तुम इस तरह क्यों करते थे, कि मतलब अगर उसने जिस तरह आपने देखा होगा फूलन देवी मूवी बनी, उसके बाद कई मूवी बनी है बागियों पर, कि मतलब बोल देते हैं किसी सेठ से या कि 10 लाख रुपए रखना है वरना मैं कल ऐसा कर दूंगा वैसा। तो उस लड़के ने बोला कि मैं दादा बनना चाहता था इस क्षेत्र का, मैं चाहता था कि मेरे नाम से उगाही हो। तो उससे पूछा गया कि कहां से ये सीख मिली थी, तो बोले मूवियों से। आप सोचिए कि मतलब अभी भी हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है, अगर भारतीय संस्कृति पुरानी, तो एक सबसे बड़ा कारण मूवी है, देख रहे हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि जिस तरह से अभी देखा है आपने कि 3 महीने के लिए पूरा लॉकडाउन कर दिया गया, तो आपकी पर्यावरण स्वच्छ हो चुका है। अगर 3-4 साल के लिए अगर मूवियों को बैन कर दिया जाए तो हमारी संस्कृति लौट सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति से हटके ही मूवी बनाई जा रही है आजकल, और उसका असर हमारी व्यक्ति यानी कि हमारे समाज पर पड़ता है, उसमें स्वाभाविक कोई दोहरा नहीं है कि पूरी तरह से पड़ता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें हम लोग, तो हाल ही में इंडिया स्टेट लेवल डिजीज वार्डन
इन्हीं से टिप द्वारा भारत में मानसिक विकारों के संबंध में एक अध्ययन किया गया जिसे लासेंट साइक्राइट्री में विकसित किया गया। इसके अनुसार अवसाद तथा चिंता भारत में मानसिक विकारों के प्रमुख कारण है। इनका प्रभाव दक्षिणी राज्यों और महिलाओं से अधिक है, राज्यों में महिलाओं से अधिक है। इसके अलावा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। लगभग प्रत्येक 7 में से एक भारतीय, कुल 19,70,00,000 लोग विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रसित हैं। आपकी वर्ष 2017 में देश में लगभग 76,00,000 लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थे। इसके सर्वाधिक प्रभाव गोवा, केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में देखा जा सकता है। इसे आप लोग गरीबी और अमीरी, सफलता असफलता से मत जोड़कर देखिए, क्योंकि कई सफल लोगों ने भी सुसाइड किया है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा दक्षिण भारत में भी किसी इंडस्ट्री ने, मतलब मालिक ने, बिजनेसमैन ने सुसाइड किया था। तो इसे इससे मत जोड़िए कि वो सक्सेस था या फेलियर था। ये दिमागी बीमारी है, ये किसी में भी हो सकती है। बस 2018 में लगभग 35,00,000 लोग सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थे। इसका प्रभाव गोवा, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली में सर्वाधिक देखने को मिला है। भारत में कुल बीमारियों में मानसिक विकारों की हिस्सेदारी विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष के अनुसार वर्ष 1990 में 2.25% थी और 2017 में ये बढ़कर 4.7% हो गई। यह एक डेली का से स्वस्थ जीवन में एक वर्ष की कमी से है। वर्ष 2018 में भारत में मानसिक विकार डेली के सभी मामलों में 33.8% लोग अवसाद, 19% लोग एंग्जायटी डिसऑर्डर, 10.8% लोग इडियोपथिक डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तथा 9.8% लोग सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं। इस अध्ययन में राज्यों को सामाजिक जनांकीय इंडेक्स के आधार पर 3 वर्गों, निम्न, मध्यम और उच्च में विभाजित किया गया। एसडीआई के मापन में राज्य की प्रति व्यक्ति आय, औसत शिक्षा, 25 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में प्रजनन दर जैसे पैमाने को अपनाया गया। उच्च एसडीआई वाले राज्यों जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में अवसाद एवं एंग्जाइटी की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित लोग थे। बात करते हैं आखिर मानसिक विकार के कारण क्या है, दिमाग की हालत खराब होने के कारण क्या है। आखिर मानसिक विकार का एक महत्वपूर्ण कारण अनुवांशिक होता है। मनोविक्षिप्त या साइकोसिस या फिर सिजोफ्रेनिया इत्यादि रोग उन लोगों में अधिक पाए जाते हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य इनसे पीड़ित हो। ऐसा व्यक्ति के बच्चों में यह खतरा लगभग दोगुना हो जाता है। मानसिक विकार की एक वजह शारीरिक परिवर्तन भी माना जाता है। दरअसल किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भधारण जैसे शारीरिक परिवर्तन के कारण मानसिक विकार की संभावना बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक कारणों को आज के समय में इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। उदाहरण के लिए आपके आपसी संबंधों में टकराहट, किसी निकट व्यक्ति की मृत्यु, सम्मान को ठेस, आर्थिक हानि, तलाक, परीक्षा, प्रेम में असफलता इत्यादि, ये सबसे ज्यादा कारण देखे गए सुसाइड करने की। सबसे ज्यादा कारण इन्हीं में से रहे, या फिर आप किसी परीक्षा में सब असफल हो रहे हैं, या प्रेम में असफलता मिल रही है आपको, या फिर किसी अपने निकट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या संबंधों खराब होना, ये सबसे ज्यादा कारण है। सहनशीलता का अभाव, बाल्यावस्था के अनुभव, खतरनाक किस्म के वीडियो गेम, तनावपूर्ण परिस्थितियां और इनका सामना करने की असमर्थता मानसिक विकार के लिए आपका जिम्मेदार मानी जा रही है। समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। वस्तुतः जिस समाज में हम रहते हैं वहां सार्वजनिक और निजी दोनों स्तर पर मानसिक बीमारी हमेशा से एक उपेक्षित मुद्दा रही है। इसके विषय में ना केवल समाज का रवैया बेरुखा है बल्कि सरकार की दृष्टि में भी यह एक उपेक्षित विषय ही है। अब आपने देखा होगा समाज में कि अगर किसी की दिमाग की हालत खराब हो रही है तो उसका साथ छोड़ दिया जाता है। अगर आप चाहें तो उसका साथ निभाकर, मतलब उसे साथ देकर उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अगर आप उसका साथ छोड़ देते हैं तो वो और अवसाद में, यानी कि दिमागी बीमारी में गिर जाता है। उसके बाद वो किसी भी तरह के कदम भी उठा लेता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि किसी भी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को पागल समझा जाता है। उस व्यक्ति को समाज में उपेक्षा भरी नजरों से देखा जाने लगता है और वो और बुरी हालत में जाता रहता है। आपने देखा होगा
मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति समाज व परिवार की उपेक्षा पूर्ण वार्ताओं के कारण अकेलेपन का भी शिकार हो जाता है। अकेलेपन के कारण वह अपने विचारों को दूसरों के साथ नहीं साझा नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति या फिर तो स्वयं को हानि पहुंचाता है या अन्य लोगों को। यदि कोई व्यक्ति एक बार किसी मानसिक रोग से ग्रसित हो जाए तो जीवन भर उसे इसी तमगे के साथ जीना पड़ता है, चाहे वह उस रोग से मुक्ति पा ले। आज भी भारत में इस प्रकार के लोगों के लिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। सर, आपकी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां क्या हैं? आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में महिलाओं की आत्महत्या दर पुरुषों से काफी अधिक है, जिसका मूल कारण घरेलू हिंसा, छोटी उम्र में शादी, युवा मातृत्व और अन्य लोगों पर आर्थिक निर्भरता आदि को मानना है। महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती हैं, परंतु हमारे समाज में यह मुद्दा इतना सामान्य हो गया है कि लोगों द्वारा इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियां भी एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 तक आत्महत्या को एक अपराध माना जाता था। भारतीय दंड संहिता के तहत इसके लिए अधिकतम एक वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया था, जबकि कई मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि अवसाद, तनाव और चिंता आत्महत्या के पीछे कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। ध्यातव्य है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत के पास आवश्यक क्षमताओं की कमी है। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में भारत की विशाल जनसंख्या के लिए मात्र 5,147 मनोचिकित्सक और 2035 से भी कम मनोवैज्ञानिक मौजूद हैं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को ठीक ढंग से संबोधित ना किए जाने के कारण अर्थव्यवस्थाओं को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल देश की मानव पूंजी को नुकसान होता है, बल्कि प्रभावित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि इस रोग के इलाज की जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वे अपेक्षाकृत काफी महंगी है। WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विकारों का सर्वाधिक प्रभाव युवाओं पर पड़ता है। चूंकि भारत में अधिकांश जनसंख्या आपकी युवा है, इसलिए यह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। बजटीय व्यय का अभाव। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत में अधिकांश राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य का कुल बजट 1% से भी कम रखा गया है। इनमें से कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों में स्पष्टता और संपूर्णता की कमी होने के कारण सही दिशा में धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में केरल, गुजरात दो ऐसे ही राज्य हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग बजट की व्यवस्था की गई है। केवल आपके याद रखिए, गुजरात और केरल। वस्तुतः राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए पृथक बजट की व्यवस्था करने के संबंध में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का सटीक कार्यान्वयन, पर्याप्त मात्रा में बजट की उपलब्धता, समय सीमा, जिम्मेदार एजेंसियों और परिणामों की निगरानी के लिए बेहतर प्रबंधन और आदि बहुत से ऐसे कारक शामिल हैं। अब बात करते हैं सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1982 में मानसिक रोग से निपटने के लिए देश में मानसिक देखभाल के आधारभूत ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1982 की बात। कार्यक्रम की कार्यनीति में वर्ष 2003 में दो योजनाओं राज्य मानसिक अस्पतालों का आधुनिकरण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जनरल अस्पतालों में मनोचिकित्सा विंग को शामिल किया गया। वर्ष 2014 को सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि इस नीति के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया गया उनमें मुख्य रूप से रोगी केंद्रित और प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले प्रावधान थे। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत सेवा वितरण और प्रशासन में पारदर्शिता और व्यावसायिकता लाने संबंधी प्रावधान को भी जगह दी गई। सरकार इस दिशा निर्देश में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लेकर आई, ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। यह अधिनियम 7 अप्रैल 2017 को पारित किया गया और 7 जुलाई 2018 से लागू किया गया। अधिनियम में 1987 में पारित मानसिक स्वास्थ्य का अधिनियम 1987 का स्थान लिया है इसने, ठीक है। अन्य अगर हम लोग अन्य प्रयासों की बात करें इस क्षेत्र में, तो सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
गैर संचारी रोगों के फ्लेक्सी पूल के अंतर्गत शामिल किया गया। एनसीडी के फ्लेक्सी पूल हेतु आवंटित राशि को पिछले दो वर्षों में तकरीबन 3 गुना बढ़ाया गया है, यानी अब राज्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कोष का उपयोग विशेषज्ञों और अन्य सुविधाओं के भुगतान में किया जा सकता है। मानसिक विकार से पीड़ित लोगों की पूर्व जांच और उनके इलाज के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में विभिन्न निवारक गतिविधियों को शामिल किया गया, जिसमें स्कूल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, कॉलेज परामर्श सेवाएं, कार्यस्थल पर तनाव कम करने और आत्महत्या रोकथाम सेवाएं शामिल हैं। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में देश में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं लगातार वृद्धि हो रही है। इनमें ऐसे में आवश्यक है कि इससे निपटने के लिए उपयुक्त क्षमताओं का विकास किया जाए और संसाधनों में वृद्धि की जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से भारत में ही नहीं विश्व में भी आपने देखा होगा मानसिक स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं है और घर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। यदि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ऐसे मानसिक रोगग्रस्त लोगों की समस्याओं को संवेदनशील ढंग से उठाएं तो निश्चित ही समाज का उपेक्षावादी रवैया कमजोर होगा और संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र मध्य के मध्य उचित समन्वय की आवश्यकता है। बजटीय आवंटन की चिंताजनक स्थिति भी मानसिक स्वास्थ्य सुधारों में एक बड़ी बाधा है। ऐसे में आवश्यकता है कि इस बात की कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान और अन्य एजेंसियों द्वारा मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की पहचान करते हुए मानसिक रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील तबके के लिए एक निश्चित आय की व्यवस्था कर दिया जाए। तो स्थिति थी आपकी मानसिक स्वास्थ्य की। याद रखिए, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन सुसाइड कभी नहीं होता है, आत्महत्या कभी नहीं होती। हम प्रकृति के नियम के यानी कि भगवान से बड़े हो गए, प्रथम हम लोग यही समझ सकते हैं कि जब हम आत्महत्या कर रहे हैं तो भगवान से बड़े अपने आप को समझने लगे हैं, क्योंकि आप सोचिए भगवान ने जिंदगी दी है तो इसे क्रम से चलने दीजिए, जब खत्म होनी है तब खत्म होनी है, आप अपनी तरफ से खत्म करने की विचार मत लाइए, ठीक है? अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए।